लव्य व्यवस्था अध्याय तीन, लव्य व्यवस्था अध्याय तीन, मेल बलि की विधि। और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़िया ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लटकी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उसके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि वह यहोवा के लिए सुगंधदायक, सुगंध वाला, सुखदायक हवन ठहरे। और यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के और मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के आगे से अलग करे। और जिस चर्बी से हथड़िया ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह हवन करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। और यदि वह बकरा व बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए और अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के और वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अतड़िया ढपी रहती है और जो चर्बी उसमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह तो हवन रूपी भोजन है जो सुगंधदायक, सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। वह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लोहू कभी न खाओ।